हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट गुरुकुल में। आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ा जाएगा। कैलेंडर हिंदी में इसको पंचांग कहा जाता है। कैलेंडर पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार से होंगे। एक होगा साधारण वर्ष और एक होगा लीप वर्ष। साधारण वर्ष उसे कहते हैं जिसमें दिनों की संख्या 365 होती है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। कैसे पता चलेगा कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? चार से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। कोई ईयर दिया हो उसमें अगर हम चार से भाग दें, चार से भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए अर्थात तो वह संख्या कट जाए तो वह होता है लीप ईयर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए, हम लोग 1996 लास्ट के दो अंक में हम लोग भाग दे करके देखते हैं। 96 को अगर चार से डिवाइड किया जाए, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16 डिवाइड हो गया अर्थात 1996 क्या है? लीप ईयर है। और चेक कर लेते हैं 2012, 2012 लास्ट में कितना है? 12। 12 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो पूरा का पूरा चला जाएगा 4 × 3 = 12, ये भी डिवाइड हो गया अर्थात यह भी लीप ईयर है। तो लीप ईयर है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 4 से डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर होता है, अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो लीप ईयर नहीं है। तो कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा जब 4 से डिवाइड ना हो। 4 से पूरा पूरा वो डिवाइड ना हो तो साधारण वर्ष होगा और 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर होगा। अब हम देखते हैं इसमें साधारण वर्ष और लीप ईयर तो हो गया। शताब्दी, शताब्दी किसे कहते हैं? शताब्दी वह वर्ष होते हैं जिसके अंत में 2 शून्य हो, अंत में 2 शून्य या 2 से अधिक शून्य, 2 से अधिक शून्य होगा, 2 शून्य होगा या 2 से अधिक शून्य होगा तो वह शताब्दी होगा, शताब्दी होगा। जैसे 1900, 1600, 1200, 1300 सबके लास्ट में 1000, सबके लास्ट में 2 या 3 जीरो हैं तो सब कैसे हैं? यह सभी के सभी हमारे शताब्दी हैं। अब हमारा शताब्दी लीप शताब्दी है कि नहीं है ये भी देखना है। जब शताब्दी को हमको चेक करना होता है कि यह हमारा शताब्दी लीप शताब्दी है कि नहीं, तो इसमें लीप शताब्दी के लिए, लीप शताब्दी के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। अगर 400 से डिवाइड हो गया, 400 से डिवाइड हो गया तो लीप शताब्दी होता है और 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो लीप शताब्दी नहीं होगा। अब जैसे 1900 को अगर 400 से डिवाइड करें तो भाग नहीं जाएगा, 1900 लीप शताब्दी नहीं है। 1600 को देख लिया जाए, 1600 को 400 से डिवाइड किया जाए तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा और 4 आएगा आंसर था। 1600 क्या है? 1600 लीप शताब्दी है। 1600 हो गया, 1200 हो गया, 2000 हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? लीप शताब्दी हैं। ऐसे वर्ष जो 400 से डिवाइड हो जाए उसे हम लीप शताब्दी कहेंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं महीनों में दिनों की संख्या कितनी होती है। महीनों में दिनों की संख्या, टोटल 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे टोटल 12 महीने हैं। जनवरी में कितना दिन होता है? जनवरी में आपका 31 दिन होता है, फरवरी में 28 या 29 होता है। जो हमारा लीप ईयर होता है, लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है और नॉर्मल ईयर में जो होता है फरवरी 28 की होती है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31 होता है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 का। जो हम लोग ऐसे अंगुलियों पर गिनते हैं, जो उठा हुआ होता है वो 31 का होता है और जो दबा हुआ होता है वो 30 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर से वापस यहाँ पर आ जाएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो उठे हुए पर पड़ता है वो क्या होता है? 31 का होता है और जो दबे हुए पर पड़ता है वो 30 का होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए। एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? जो सप्ताह होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो जो भी संख्या आए उसको 7 से डिवाइड करें। 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास शेषफल बचता है वो एक्स्ट्रा दिन होता है। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो पूरा दो बार भाग जाएगा, 7 × 14 ऐसे देख लेते हैं। 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 × 14 कितना एक्स्ट्रा है भाई? 1। तो इसमें 15 में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। तो इस प्रकार से जनवरी में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 7 × 4 = 28, 2 × 30 = 31, 3। फरवरी में एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे? 28। अगर जो फरवरी 28 की है तो 0 एक्स्ट्रा दिन होंगे और फरवरी 29 की है तो 1 एक्स्ट्रा दिन होगा। मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में भी हमारा कितना एक्स्ट्रा दिन आएगा? 3। सितंबर में 2 आएगा, अक्टूबर में 3 आएगा, नवंबर में 2 आएगा और दिसंबर में 3 आएगा। जो 30 का महीना होगा उसमें एक्स्ट्रा दिन 2 आएंगे और जो 31 का महीना होगा उसमें एक्स्ट्रा दिन 3 आएंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा दिन है। अब देख लेते हैं यहाँ से कौन सा दिन का कोड क्या है। दिन का कोड यहाँ देख लेते हैं हम। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार को ही हम बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार और शनिवार। दिनों का कोड क्या है? रविवार को हम 0 से शुरू करते हैं। रविवार का कोड क्या है? 0। सोमवार का कोड है 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। ये हमारे दिनों का कोड है। इस हिसाब से हम काम करें। एक्स्ट्रा दिन हमने निकालना सीख लिया और दिनों का कोड देख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं वर्ष में। अगर जो सामान्य वर्ष है, कोई वर्ष सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा दिन, अतिरिक्त जो दिनों की संख्या होती है वह 1 होती है, और अगर लीप ईयर है, लीप वर्ष है, तो उसमें एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 2 होती है। अगर हम 365, सामान्य वर्ष कितना होता है? 365 का, 365 को 7 से डिवाइड करें हम तो 7 × 5 = 35, कितना बचा यहाँ से? 1। 7 × 14 तो कितना एक्स्ट्रा दिन आएगा? 1 एक्स्ट्रा दिन। 1 यहाँ से बच रहा है, 1 एक्स्ट्रा दिन आएगा। ये होता है 366 का, तो इसमें 1 आ रहा है तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। इसी प्रकार से शताब्दियों में हम देख लेते हैं। शताब्दी अगर हमारे पास है, शताब्दी में अतिरिक्त दिन,
शताब्दी में अतिरिक्त दिन 100 वर्ष है, 100 वर्ष में एक्स्ट्रा दिन जो होता है 5, 200 में एक्स्ट्रा दिन होता है 3, और 300 में एक्स्ट्रा दिन होता है 1, और 400 में एक्स्ट्रा दिन होता है 0। तो इसको हम याद कर लेते हैं 53-10 से। इसको हम याद कैसे करते हैं, 53-10 से हम लोग याद कर लेते हैं। 100 में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 5 होती है, 300 में 200 में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 3 होती है, 300 में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 1 होती है, और 400 में कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बचता है, 400 से वो डिवाइड हो जाता है, उसमें एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कुछ नहीं बचती है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन से देखेंगे, हमको ये कोड पता होना चाहिए और एक्स्ट्रा दिन पता होने चाहिए, सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाएंगे। अब करा 16 मार्च 1947 को शनिवार, 16 मार्च 1947 को रविवार है। यदि 16 मार्च 1947 को रविवार है तो 28 जून 1947 को कौन सा दिन होगा? देखिए, जिस डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है उस डेट को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उस महीने में एक्स्ट्रा दिन हम ले लेते हैं। तो 16 मार्च हो गया, मार्च कितने की होती है, 31 की होती है, तो 16 मार्च हो गया तो कितना एक्स्ट्रा दिन बचा इसमें, 15 एक्स्ट्रा दिन यहाँ से बच गया। और 1947, देखिए जब हम कभी फरवरी लांघते हैं, फरवरी पार करके जाते हैं, तो हमको चेक करना जरूरी होता है कि जिस वर्ष की हम बात कर रहे हैं कहीं वह लीप ईयर तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो फरवरी छूट गया पहले, तो हमको यहाँ चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही बना लेंगे। तो मार्च हो गया हमारा, मार्च में कितना बच गया एक्स्ट्रा दिन, 15। मार्च की बात क्या आएगा, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल में 2 एक्स्ट्रा दिन, मई में 3 एक्स्ट्रा दिन, और जून में हमको कहाँ तक जाना है, 28 जून तक। तो 28 यहाँ देखिए, 1 एक्स्ट्रा दिन बचेगा, 7 × 14 1 बचेगा, यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ 7 × 4 28, यहाँ 0 रहेगा। जोड़ लीजिए, 1 2 1 3 और 3 3 6। अगर रविवार में 6 दिन आगे बढ़ा जाए, 6 ऐड किया जाए, तो रविवार का 0 कोड होता है, तो 6 का कोड क्या होगा, शनिवार, अर्थात 28 जून 1947 को शनिवार था। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, चार जनवरी 1950 को बुधवार हो, यदि 4 जनवरी 1950 को बुधवार था तो आपको बताना है 15 अप्रैल 1950 को कौन सा दिन होगा, 1950 को कौन सा दिन होगा। यहाँ देखिए, जनवरी 1950 की बात हो रही है और पूछा जा रहा है अप्रैल का, तो जनवरी से अप्रैल में जाने के लिए हमको फरवरी बीच में पड़ेगा, तो जब फरवरी बीच में पड़ेगा तो फरवरी में दिनों की संख्या, एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी होगी, इसको पता करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि 1950 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो 1950 लास्ट का 2 अंक, 50 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 × 1 = 4 बचा कितना, 10, 4 × 2 = 8, अर्थात पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अर्थात यह नॉर्मल ईयर है। तो अब हमको जनवरी में कहाँ, जनवरी फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल, जनवरी में कितना दिन शेष बचा भाई, 31 की होती है तो 27 दिन बचा, प्लस फरवरी में 0 दिन होगा एक्स्ट्रा, और मार्च में 3 दिन, अप्रैल में हमको 15 अप्रैल तक जाना है, तो 27 + 21 6 दिन यहाँ से बचेगा, यहाँ तो 0 है, यहाँ 3 ही रहेगा, और 1 दिन यहाँ से, 6 × 4 = 10,
सात निकल जाएगा तो कितना बचेगा, तीन दिन एक्स्ट्रा दिन कितने आ रहे हैं, थ्री डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं। बुधवार से तीन दिन आगे बढ़ जाएंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इसका भी जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, शनिवार 15 अप्रैल 1950 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, 15 अप्रैल 1950 को शनिवार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अठारह मई 1986 को रविवार है, यदि 18 मई 1986 को रविवार था तो 25 दिसंबर 1986 को कौन सा दिन होगा भाई, मई कितनी की होती है, मई भी 31 की होती है, तो 31 में 18 दिन तो चला गया, बचा कितना दिन, 13 दिन, तो मई हो गया 13 एक्स्ट्रा दिन। मई के बाद आएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जून में 2 एक्स्ट्रा दिन, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में हमको कहाँ तक जाना है, 25 दिसंबर तक, तो 25 तारीख यहाँ ले लिया हमने। यहाँ देखिए भाई 13 दो 15 यहाँ बच गया एक्स्ट्रा हमारे पास, 1 3 3 6 1 7 कोई नहीं बचा, 3 2 5 2 7 कुछ नहीं बचा, 25 7 3 21 4 कितना एक्स्ट्रा दिन आएगा भाई, 4 दिन एक्स्ट्रा आएंगे यहाँ से। तो रविवार में अगर 4 दिन ऐड किया जाए तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, अर्थात यहाँ से इसका जवाब हो जाएगा गुरुवार, 25 दिसंबर 1986 को गुरुवार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 फरवरी 1996 को अगर मंगलवार था, यदि 20 फरवरी 1996 को 20 फरवरी 1996 को यदि मंगलवार था 20 फरवरी 1996 को मंगलवार था तो आपको बताना है 19 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन होगा, 19 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन होगा। फरवरी जाना है हमको, 96 है, ए 96 क्या है, लीप ईयर है, तो फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी, 20 हो गया, तो फरवरी में कितना दिन और बचा है, फरवरी में 9 दिन बचा है। फरवरी के बाद मार्च में आपका 3 दिन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 19 तारीख तक। देखिए फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो है नहीं, फरवरी में 9 दिन है एक्स्ट्रा और मार्च में 3 दिन एक्स्ट्रा है, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन और दिसंबर में हमको 19 तारीख तक जाना है। तो यहाँ से 7, 2 एक्स्ट्रा बचा, 2 2 4 3 7 यहाँ भी हो गया, 3 2 5 और 5 2 7, 3 3 6, 6 3 9 2 11, 11 और 19 30, 7 4 28, 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ से बचा, यहाँ से कितना दिन एक्स्ट्रा आया, 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मंगलवार में 2 दिन ऐड करेंगे अगर जो हम, तो बुधवार और बृहस्पतिवार, यहाँ से भी जवाब क्या आ जाएगा, गुरुवार, अर्थात 19 दिसंबर 1986 को गुरुवार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि 15 अप्रैल 1985 को सोमवार था, यदि 15 अप्रैल 1986 को सोमवार था, 15 अप्रैल 1986 को सोमवार था, सोमवार था तो आपको बताना है यहाँ से कि 24 फरवरी
24 फरवरी 1989 को, 1989 को कौन सा, 15 अप्रैल 1985 कर दी, 15 अप्रैल 1985 को अगर सोमवार था तो 24 फरवरी 1989 को कौन सा दिन होगा ये हमको बताना है। यहाँ से देखिए, अप्रैल से आपको 24 फरवरी तक जाना है, 85 से 89 तक। तो क्या 85 वाला ईयर कंप्लीट हुआ है? नहीं। तो पहले 85 वाले साल में कौन कौन से महीने शेष बचे, कितना एक्स्ट्रा दिन शेष बचा है, पहले उसको निकाला जाएगा। अप्रैल, अप्रैल कितने की होती है, अप्रैल हो जाएगा आपका 30 का। अप्रैल अगर 30 का हो जाएगा तो कितना दिन बचा, 15 दिन एक्स्ट्रा बचा अप्रैल में। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1985 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से 15 दिन अप्रैल में हो गया, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन और दिसंबर में 3 दिन। तो 1985 ख़त्म हो गया। अब कौन सा ईयर आ गया, 1986, 1987 और 1988। जाना कहाँ तक है, 1989 में। 1989 में हमको कहाँ तक जाना है, फरवरी तक। तो 1989 में कौन कौन पड़ेगा भाई, जनवरी पड़ेगा और फरवरी में तो हमको 24 फरवरी तक ही जाना रहेगा, ये चेक करेंगे हम यहाँ तक। अब इसमें 1986 नॉर्मल ईयर है, एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 1 होगी। 1987 भी हमारा नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 1 होगी। 1988 लीप ईयर है तो इसमें एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 2 होगी। और जनवरी में आपका, जनवरी में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, 3। और फरवरी में आपको कहाँ तक जाना है, 24 फरवरी तक। तो ये हो गया 24। अब टोटल हम एक्स्ट्रा दिन यहाँ से निकालते हैं, यहाँ कितना बचेगा, 1, 3 3 6 1 7, ये कैंसिल हो गया, 7 कंप्लीट हो गया, 2 2 4 3 7, 3 2 5 और 5 2 7, 3 2 5, 5 3 8, 1 बचा 24 1 25, 7 3 21, 4 दिन एक्स्ट्रा बच गए। यहाँ से कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 4 दिन एक्स्ट्रा बचे। अगर सोमवार था तो सोमवार में 4 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोम के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, पांचवा दिन कौन सा होगा, यहाँ से शुक्रवार आंसर आ जाएगा कि 24 फरवरी 1989 को शुक्रवार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 20 मार्च 2012 को, 20 मार्च 2012 को शनिवार था, शनिवार था तो आपको बताना है 13 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। फिर से अब हमको 2012 कंप्लीट करना है तो मार्च में कितना दिन होता है भाई, 31, तो हम 20 तक आ गए, 11 एक्स्ट्रा दिन बचा है। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल 30 की होती है, 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। 2012 कंप्लीट हो गया, फरवरी छूट गया था इसलिए यहाँ पर नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। 12 के बाद क्या आएगा, 13 2013 2014 2015 2016 2017 2018 और 19। में कहाँ तक जाना है हमको, 2019 में हमको मार्च तक जाना है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च यहाँ तक हमको आना है। अब देखिए, 2013 नॉर्मल ईयर है, इसमें दिनों की संख्या, एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 1 होगी। 2014 भी नॉर्मल ईयर है, इसमें भी एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 1 होगी। 15 भी नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 1 होगी। 16 लीप ईयर है तो इसमें एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 2 होगी। 17 नॉर्मल ईयर है तो एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 1 होगी। 18 भी आपका नॉर्मल ईयर है तो इसमें एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 1 होगी।
जनवरी में एक्स्ट्रा दिन तीन होते हैं, फरवरी 2019 नॉर्मल ईयर है तो इसमें एक्स्ट्रा दिनों की संख्या जीरो होगी, और मार्च में एक्स्ट्रा मार्च में उनको कहाँ तक आना है, 13 मार्च तक आना है तो 13 तारीख हो जाएगा। अब देखिए 11 3 14 ये ख़त्म हो गया, 2 2 4 3 7, 3 2 5 2 7, 3 3 6 1 7, 2 2 4 4 3 7, 2 और 13 2 15, एक एक्स्ट्रा दिन बचा। कितना एक्स्ट्रा दिन आ रहा है भाई, एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है। तो अगर जो शनिवार था तो कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। जवाब इसका हो जाएगा कि रविवार, 13 मार्च 2019 को रविवार होगा। ठीक है, अभी इसके अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।